संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन संसद की नई इमारत में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कानून मंत्री ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। इस बिल में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। अब ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। उधर महिला आरक्षण बिल संसद में पेश होने के बाद पटना समेत देश के कई हिस्सों में जश्न मनाया गया। पटना के बीजेपी कार्यालय के बाहर महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और इस दौरान वो होली और दिवाली एक साथ मनाती दिखी और विक्ट्री का साइन दिखाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने ढोलक बजाकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। क्योंकि संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही बिल पेश होने की खबर मिली वहां बीजेपी कार्यालय के बाहर महिला कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। हाथ में मिठाई के डिब्बे लेकर वो एक दूसरे का मुंह मीठा कराती नजर आई। जिसका इंतजार पिछले कई वर्षों से था वो आज नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया है। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उन्होंने गुलाल लगाकर होली भी खेली और आतिशबाजी कर दिवाली भी मनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और इसे अपनी जीत बताया। और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पेश होने के बाद तेलंगाना में बीजेपी की महिला नेताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान उन महिलाओं ने दूध से प्रधानमंत्री की होर्डिंग का अभिषेक किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें महिलाएं पीएम की होर्डिंग का दूध से अभिषेक करती नजर आईं। यही नहीं, महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी भी की। इस बीच लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने का जश्न केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में आमंत्रित विशेष महिला सदस्यों को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। जश्न मनाने का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें विशेष आमंत्रित महिला सदस्यों में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, ईशा गुप्ता और फेमस डांसर सिंगर सपना चौधरी को अनुराग ठाकुर मिठाई खिलाते नजर आए। ये ऐतिहासिक दिन है सारे देश की महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए। और इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के साथ ही विपक्षी गठबंधन के रुख पर सवाल उठने लगे। नई संसद के पहले ही दिन सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। क्योंकि सालों से महिला आरक्षण का ये बिल लटका हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की वजह से ये बिल अब तक सदन से पास नहीं हो पाया। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बार नहीं बल्कि 6 बार ये बिल संसद में लाए, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इसे पास नहीं होने दिया। क्योंकि 2010 में सोनिया गांधी ने खुद बयान दिया था कि कांग्रेस के कुछ सदस्य महिला आरक्षण बिल के खिलाफ हैं, जिसकी वजह से सदन में बिल पास नहीं हुआ। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने भी इस बिल का विरोध किया था, जिसकी वजह से बिल कभी लोकसभा में लटका तो कभी राज्यसभा में। लेकिन नई संसद की कार्यवाही के पहले ही दिन सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण पेश किया और सदन से इसे पास करने की अपील की। जबकि महिला आरक्षण से जुड़े बिल के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। गृह मंत्री ने ट्वीट कर कांग्रेस पर महिला आरक्षण का विरोधी होने का आरोप लगाया और कांग्रेस के लगाए आरोपों का जवाब दिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस की मंशा कभी महिला आरक्षण विधेयक को कानून बनाने की रही ही नहीं। महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने पर गंभीर न होने की वजह से ही महिला आरक्षण कभी लागू नहीं हो पाया। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला था और इस बिल को केवल इवेंट मैनेजमेंट करार दिया था। जयराम रमेश के मुताबिक इस बिल के मुताबिक आरक्षण अगली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा, इसीलिए इस बिल को उन्होंने महिलाओं के साथ विश्वासघात तक कह दिया था। इधर संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल को अपनी पार्टी का विधेयक बताया और एक दिन पहले ही महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसके बाद संसद की पुरानी इमारत में मीडिया से बातचीत में सोनिया ने महिला आरक्षण विधेयक को अपना बताया। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने दावा इसलिए किया क्योंकि 2010 में ये बिल राज्यसभा से पारित हुआ था। उस समय सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उधर आम आदमी पार्टी ने महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पेश होने के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इस बिल पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का स्टंट बताया। ये बिल महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इसीलिए आपत्ति जता रही है क्योंकि इस बिल के कानून बन जाने के बाद दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण देना होगा और मुलायम सिंह यादव की तरह उनके बेटे अखिलेश यादव ने भी महिला आरक्षण में आरक्षण की मांग कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए महिला आरक्षण में सामाजिक न्याय के संतुलन की बात की और अखिलेश यादव ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग कर दी। एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम्स, हम तो इन चारों को चाहते हैं कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन।
13 साल पहले मुलायम सिंह ने महिला आरक्षण का विरोध किया था। उधर महिला आरक्षण बिल पर AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद इस बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने एतराज जताते हुए मुस्लिमों और ओबीसी महिलाओं के लिए कोटे की मांग कर दी। इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया। इस बिल के तहत लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए मिलेगा। इस बीच महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पेश होने के बाद अब विशेष सत्र के तीसरे दिन इस पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक इस बिल पर चर्चा होगी और इस बिल के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण नई जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर होगा, उसके बाद महिला आरक्षण लागू किया जा सकेगा। लेकिन इसी मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के हंगामे मचाने की भी आशंका है। और संसद की पुरानी इमारत के सेंट्रल हॉल से संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पुरानी संसद को संविधान सदन बनाने का सुझाव दिया। विशेष सत्र के दूसरे संसद की कार्यवाही संसद की नई इमारत में शिफ्ट हो गई। और संसद की नई इमारत में शिफ्ट होने से पहले प्रधानमंत्री ने संसद की पुरानी इमारत को लेकर अपना प्लान बताया। आप सहमति दे दोनों महानुभाव तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि संसद की पुरानी इमारत से 4000 से अधिक कानून पारित किए गए। उधर संसद की नई इमारत में शिफ्ट होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में सभी सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री सभी सांसदों के पास जाकर उनसे मिले और उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। यही नहीं, सभी सांसदों ने पुरानी संसद भवन के पास गार्डन में फोटो सेशन भी कराया, जिसमें राहुल गांधी पीछे की लाइन में कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़े दिखे।